टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा का संन्यास। अगले महीने दुबई में आखिरी टूर्नामेंट। 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता हैं सानिया मिर्जा। भारत की स्टार खिलाड़ी और साथ ही 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सानिया मिर्जा ने शनिवार को टेनिस से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात की पुष्टि की है और साथ ही उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि वह अगले महीने अपना आखिरी टूर्नामेंट खेलेंगी। एक इंटरव्यू के दौरान सानिया मिर्जा ने इस बात का जिक्र किया और बताया कि अगले महीने दुबई में होने वाला WTA 1000 इवेंट उनका आखिरी इवेंट होगा, आखिरी टूर्नामेंट होगा। इसके अलावा सानिया मिर्जा अब टेनिस से दूर होकर के कोचिंग की ओर ध्यान देंगी। बहरहाल सानिया मिर्जा के करियर की ओर नजर डालें तो वह 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता हैं। उन्होंने 3 बार विमेंस डबल्स का ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है। इसके अलावा 3 बार मिक्स डबल्स का खिताब भी उन्होंने अपने नाम किया है। इसके अलावा वह ऑस्ट्रेलिया ओपन में डबल्स में भी भाग लेने जा रही हैं। साल 2009 में सानिया मिर्जा ने ऑस्ट्रेलिया ओपन में मिक्स डबल का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। इसके बाद साल 2012 में उन्होंने फ्रेंच ओपन जीता। इसके बाद साल 2015 में उन्होंने विंबलडन का विमेंस डबल्स का खिताब अपने नाम किया और तीसरी बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने में कामयाब रही। बता दें कि साल 2015 में ही उन्होंने US ओपन भी अपने नाम किया। विमेंस डबल में उनका तीसरा ग्रैंड स्लैम उन्होंने साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतकर जीता। इसके बाद मिक्स डबल्स का उनका तीसरा खिताब साल 2014 में US ओपन जीतने के बाद आया था। साल 2011 में फ्रेंच ओपन के विमेंस डबल्स में वह रनर अप भी रही थी। बता दें कि उन्होंने अपने संन्यास का यानी कि रिटायरमेंट का ऐलान पिछले साल ही कर दिया था, लेकिन वह उस वक्त चोटिल थी और उन्होंने चोट की वजह से अपने ऐलान को वापस ले लिया था। उन्होंने टेनिस की वेबसाइट WTATennis.com को बताया था कि मैं नहीं चाहती हूं कि चोट की वजह से मैं टेनिस से दूर रहूं, इसलिए मैंने ट्रेनिंग को शुरू कर दिया है और संन्यास को वापस लेने का फैसला किया है। बता दें कि इसके बाद अब उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि वह अगले महीने होने वाले टूर्नामेंट में शामिल होने के बाद टेनिस को अलविदा कह देंगी। सानिया मिर्जा की बात करें तो भारत के लिए उन्होंने खेलते हुए कई कमाल के मैचेस जीते हैं। साल 2004 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 2006 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साल 2015 में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। साल 2016 में सानिया मिर्जा को पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा सानिया मिर्जा की बात करें तो उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक के साथ शादी की। पिछले साल नवंबर के महीने में शोएब मलिक के साथ तलाक की खबरें भी सामने आई, हालांकि इस पर दोनों ने चुप्पी साधे रखी। इसके बाद सानिया ने शोएब मलिक के साथ एक फोटो को भी शेयर किया था। बहरहाल सानिया मिर्जा कहती हैं कि अब रिटायरमेंट के बाद, संन्यास के बाद वह दुबई और हैदराबाद में अकेडमी खोलकर अपने अनुभव को साझा करेंगी। सानिया मिर्जा ने कहा कि वह 10 साल से दुबई में रह रही हैं और अब टेनिस को अलविदा कहने के बाद नए युवा खिलाड़ियों को अपने अनुभव के साथ ट्रेन करेंगी और कोशिश करेंगी कि कई बेहतर खिलाड़ी उभर कर सामने आ सके। बहरहाल सानिया मिर्जा ने अब टेनिस को अलविदा कह दिया है और वह अपना आखिरी टूर्नामेंट खेलने के लिए दुबई में उतरेंगी। आपकी जो कुछ राय है सानिया के इस करियर को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स के अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।